भाई जब भी मैं माइनिंग करने के लिए आता हूँ तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भाई? गाइस देखो, हमारे पीछे पड़ चुका है खतरनाक सा आयरन गोलम, और मैं गाइस मतलब नीचे से होता हुआ टेम्पल में आ गया हूँ, तभी मेरे पीछे आयरन गोलम पड़ा हुआ है। तो फाइनली मैं टेम्पल से बाहर आ चुका हूँ। जो टॉकिंग एंजल है वो मेरे को यहाँ पर डायमंड्स दे रही है, क्योंकि मैंने उसकी जन्म चाहिए, सिंपल सी बात है, इसलिए मेरे को डायमंड दे रही है। और सामने क्या आएगा गाइस, वो देखो सामने एक घर है, शायद हम लोग उस घर से नीचे जा सकते हैं माइनिंग करने के लिए दोबारा से। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो बॉयज, सॉरी गर्ल्स, चलो चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या मिलता है हमें। गाइस नीचे तो एक खतरनाक सी यार केव है, तो चलो कूदते हैं, लेट्स गो। भाई कहाँ पे आ चुके हैं हम लोग? गाइस ये प्लेस कौन सी है यार? वो नीचे और भी ज्यादा बेसमेंट है। चलो चलो चलो, वो कौन है? मोमोगल? व्हाट गाइस, यार मोमोगल कैसे आ गई यार? गाइस मोमोगल आ चुकी है। गाइस यार भाई मोमोगल कैसे आई यार, मेरे को पता नहीं था, वरना मैं कभी भी नहीं आता यार। आपको तो पता है कि मोमोगल कितनी खतरनाक होती है, अगर वो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए। ये बंदा कौन है भाई? बंदे को बंद किसने कर रखा है भाई? हेलो ब्रो, तू मर रहा है। अरे तू क्या कर रहा है? मर जाएगा वो, मर जाएगा। अरे वो मर जाएगा, उसको बचाओ, बचाओ भाई, बचाओ, वो मर जाएगा भाई, बचाओ 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 भाई, बचाओ, उसे मर जाएगा वरना वो। ओके तो गाइस टॉकिंग एंजल उसे बचा रही है। ओके टॉकिंग एंजल बचा ले उसे। ओके भाई बच गया तू भाई, भाई तू मरने वाला था। गाइस हमने फाइनली एक बंदे को बचा लिया जो कि ऊपर बंद था, और शायद उसको गाइस उस मोमोगल ने बंद किया होगा, क्योंकि वही इस केव की मालकिन है, क्योंकि वो गाइस यहाँ पर रहती है। ओह शिट, मोमोगल सामने आ चुकी है और उसने मेरे दोस्त को मार दिया है। वेट यार, ये बहुत बुरी खबर है गाइस, वो हमारे पीछे पड़ने वाली है मोमोगल। जब तक वो मैं मार नहीं देगी तब तक गाइस मैं हमारे पीछे पड़ी रहेगी। और अभी गाइस डरने की उतनी बात नहीं, क्योंकि हम लोग गाइस उस केव से बाहर आ चुके हैं जिस केव के अंदर मोमोगल रहती है, और हम लोग एक न्यू वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग गाइस इस वर्ल्ड के अंदर कभी भी जिंदगी में नहीं आए थे। हमारा जो वर्ल्ड था वो गाइस अलग ही था, और हम लोग गाइस भागते भागते माइनिंग करने के लिए कहीं और बहुत दूर पहुंचे, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये ग्रीन बायोम वाला वर्ल्ड हमको मिल चुका है, पहले हमको एंड्राइज जाना पड़ेगा वहाँ फ्लैट मैदान में। चलो चलते हैं, हम लोग, हमारे पास इलाइटर है तो हम लोग इलाइटर से उठ के यहाँ पे आ चुके हैं। गाइस फिलहाल हमें यहाँ पे एक घर दिख चुका है जो कि हमारे बराबर में है। हम लोग इस घर में शायद आज की रात खड़ी मोमोगल सामने यार। गाइस देखो वो ऊपर खड़ी हुई मोमोगल, और वो गाइस हमें ऊपर से इतने घूर घूर के देख रही है भाई, मतलब बहुत डर लग रहा है मेरे को। तो चलते हैं भाई इस घर के अंदर नीचे बेसमेंट में। ओके तो काफ़ी अच्छी बेसमेंट रहने के लिए। गाइस यहाँ पर कौन है? विच? वेट गाइस यहाँ पे विच है यार, मतलब ओ थॉमस, अबे भाग यहाँ से भागो भाई। थॉमस कैसे आ रही है भाई? ये तो अच्छी वाली थॉमस है ना? अबे हाँ ये तो अच्छी थॉमस है, ये तो कुछ नहीं करेगी हमारा। गाइस हमें एक अच्छी थॉमस मिल चुकी है, और शायद ये थॉमस हमें कहीं भी ले। ओ विच आ रही है, विच जगह भाई, विच जग चुकी है। गाइस विच का जगने का मतलब पता क्या होता है? मतलब कुछ ना कुछ खतरनाक होने वाला। ये देखो भाई विच ने थॉमस को यहाँ पे क्या बना दिया भाई, खतरनाक सी स्कैरी स्पाइडर। ओ माय गॉड भाई ये क्या हो गया थॉमस के साथ? बेचारी भाई इतनी बढ़िया ट्रेन थी, उसके साथ भाई क्या ही कर दिया इन लोगों ने भाई। अब तो गाइस हम लोग इस वर्ल्ड में रहने लायक ही नहीं बचे भाई, क्योंकि ये वर्ल्ड पूरी तरह से स्कैरी है, एकदम क्रीपी पास्ता बन चुका है भाई, मतलब तो ये वर्ल्ड बहुत खतरनाक हो चुका है। तो यहाँ पे हमको एक और घर मिल चुका है रहने के लिए, बट वेट गाइस यहाँ पे कोई रहता ना। ओ वो तो आ रही है भाई, इधर भागो, अंदर भागो, वो आ रही है स्पाइडर वाली, वो आ रही है। ओ वो सॉरी गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ओके तो पहले हमको यहाँ से इसको मारना पड़ेगा विंडो से, शायद वो मर जाए। हमारे जो दोस्त हैं वो उसको एरो से मार रहे हैं। ओके वो मर गई क्या? गाइस वो ब्लास्ट तो हुई थी बस, लेकिन ये नहीं पता कि वो मरी या फिर नहीं मरी, तो हम तो बाहर देखना पड़ेगा मरी या फिर नहीं मरी। गाइस शायद ओ आग फेंक रही है, वो नहीं मरी है यार। गाइस वो बाहर से हमारे घर के अंदर आग फेंक रही है, ऐसे तो हम सब लोग मर जाएंगे यार। वो तो मरी नहीं थी भाई, वो तो बाहर घर के अंदर आ रही है। और गाइस ये स्पाइडर हमारे घर में इस तरह से घुस रही है, मुझे लग रहा है कि हम लोग कुछ ही देर में मरने वाले हैं हम सब की सब। और वो गाइस हमारा पीछे छोड़ ही नहीं दी, वो आ रही होगी। देखो ओ माय गॉड वो तो आ रही है इस तरफ, भागो, उसके पीछे पीछे विच भी आ रही है। सामने एक पोर्टल है, उस पोर्टल के अंदर चलते हैं। यहाँ पर गाइस हम लोग पोर्टल के बाहर आ चुके हैं, पता नहीं हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, और शायद ये खतरनाक सी मेज है, और शायद इस मेज के अंदर हम लोग उससे बच जाएंगे, शायद मेरे को लग रहा है ऐसा। चलो पहले हम लोग इस ओ क्या हुआ तुम्हें भाई, तुम्हें किसने मार दिया? टॉम तुम्हें किसने मार दिया? गाइस टॉम को किसी ने मार दिया है, और पता नहीं इसको किसने मारा, पक्का हुआ यहाँ पे हंटर है। कौन है यहाँ पे, कौन है इसने टॉम को मारा है? हे कौन है यहाँ पे भाई, मेरे को डराओ मत, अगर तुम जो भी हो सामने आ जाओ प्लीज। अच्छा मैं यहाँ पे हैंड्स अप कर दे रहा हूँ, तुम प्लीज सामने आ जाओ प्लीज, तुम जो भी हो। हमें गाइस ढूंढना पड़ेगा जो भी यहाँ पे है जिसने हमें टॉम को मारा है। ओचो इसने मारा है, पर मतलब इन लोगों ने मारा, ये तो अभी भी आए यहाँ पे। लेकिन गाइस ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं, हम लोग हमको ढूंढते ढूंढते। यहाँ पे गाइस टेम्पल है, तो चलो गाइस चलते हैं इस टेम्पल के अंदर, शायद हम लोग बच जाए इस टेम्पल के अंदर, क्योंकि वो तो हमारा पीछा करते करते यहाँ पे आ चुके हैं। और सामने ये क्या है भाई? ओह गाइस नीचे एक बेसमेंट है, बहुत खतरनाक वाली, एकदम सुरंग सी है। तो चलो चलते हैं इस नीचे के इसके अंदर। ओके तो मैं कहाँ पे आ चुका हूँ ये भाई? गाइस देखो हम लोग पता नहीं कहाँ पे आ चुके हैं, ये तो एक केव है जो कि काफ़ी गहरी और बड़ी है,
और इस केव के अंदर भाई काफ़ी डरावनी सी आवाज़ें भी आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इस केव के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो कि गाइस काफ़ी खतरनाक सी आवाज़ें निकाल रहा है, शायद कोई मॉन्स्टर हो सकता है। पता नहीं गाइस कौन 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 रहता है इस केव के अंदर। इस केव के अंदर गाइस काफ़ी खतरनाक लोग भी रहते हैं और मुझे पक्का नहीं पता कौन रहते हैं। यहाँ पर देखो मुझे एक बंदा मिल चुका जो यहाँ बंद है, जो इसको हम लोग यहाँ से बाहर निकालते हैं। शायद हम इसकी हेल्प हो जाए थोड़ी बहुत, शायद इसको इसने यहाँ बंद कर रखा होगा, शायद इसी मॉन्स्टर ने बंद कर रखा हो जो कि यहाँ पर रहता है। और लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो मॉन्स्टर कौन है गाइस, वो तो हमको उसको देखने के बाद ही पता गया। और यहाँ पे गाइस इतनी बड़ी लंबी सी लैडर लगी हुई है। ओ भाई मोमोगल रहती है यहाँ पे भाई, इस दोस्त को पकड़ लिया बंदे को, पता नहीं कहाँ पे ले जा रही है एकदम से भाई। मेरे को हार्ट अटैक आने वाला था भाई एकदम से, इससे पहले कि वो हमको पकड़ने के लिए, इससे पहले हम लोग लैडर से चलते हैं ऊपर भाई। मेरे को इसके हाथ से मरना नहीं है भाई। गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं भाई, कितने से हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर भाई। भाई मैं देखो इतू सा बचाऊँ, इतू सा 1% बचाऊँ मैं, अगर 1% मैं भाई अगर भाई मैं मर गया होता पता भाई, मैं पक्का बोल रहा हूँ। यहाँ पे गाइस जो हमें डाकू मिल चुके हैं शायद ये लोग हमें हमला कर रहे हैं, भागो यहाँ से यार, डाकू मिल चुके हैं हमें। गाइस मैंने को ध्यान ही नहीं दिया भाई, इन्हें हमें पकड़ लिया है भाई। अब मैं कहाँ भागू यार, अभी भागने की जगह भी तो नहीं है, अभी ये लोगों को पकड़ लेंगे हमें। नहीं नहीं छोड़ दो यार, अभी यार गाइस यार हमारा गेम ओवर हो चुका है। डाकू लोगों ने हमें गाइस अपने जेल के अंदर बंद कर दिया है और हम लोग इस जेल के अंदर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते हैं। हम लोगों को यहाँ से बाहर निकाला, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। ओके तो मेरी दोस्त ने मेरे को यहाँ पे कुछ दिया जैसे कि मैंने गेट खोल लिया और मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। मैं मेरे दोस्त के लिए भी यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ और मैंने दोस्त को बाहर निकाल लिया टॉकिंग एंजेला को। अब हम लोग गाइस एक चालाकी वाले प्लान से यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, इससे पहले कि यहाँ मोमोगल आ जाए और वो हमको जान से मार दे। तो चलते हैं यहाँ से बाहर गाइस, हम लोग यहाँ से बाहर आराम से निकल चुके हैं। अब गाइस हमको इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा, बट हमारे ऊपर गाइस किसी ने एरो की बरसात कर दी है। ये तो वही बंदे हैं जिसने गाइस हमें यहाँ पे बंद किया था, ये डाकू लोग हैं। अब गाइस हमें इन डाकू को मारना पड़ेगा, बट कैसे मारेंगे इन लोग को यार, ये तो हमारी तरफ हमको पकड़ने के लिए दोबारा से आ रहे हैं गाइस। लेकिन हमको अब इनकी पकड़ में नहीं आने का है। और वो जो बंदी है स्पाइडर वाली, जो वो यहाँ थॉमस जो है ना स्पाइडर वाली, वो यहाँ पे दोबारा से आ रही है भाई। मतलब वो हमारा पीछा करते करते यहाँ भी आ चुकी है, उसने इन दोनों डाकुओं को मार दिया। वेट गाइस भागो यहाँ से, वो इन सभी को मार रही है। और उसने उन सभी को मार दिया तो वो हमको भी मार देगी। अबे भाग, अबे अबे एंजेला भागना भाई। उसने कैसे एंजेला को भी मार दिया, अबे हमको मार दिया यार। ओके गाइस हमारा गेम यहाँ पे दोबारा ओवर हो चुका है, क्योंकि गाइस हमको उस थॉमस ने मार दिया है। और मारने के बाद हम लोग यहाँ पे गाइस हार नहीं मानने वाले, हम लोग भी बहुत पक्के वाले खिलाड़ी हैं। तो हम लोग गाइस उसको दोबारा मारने का ट्राई करेंगे, बट उसके लिए हमको घर से बाहर जाना पड़ेगा जहाँ पर वो रहती है। बट गाइस वो जगह कौन सी है, वो जगह मैं भूल चुका हूँ। यहाँ पे गाइस किसी का घर है जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ है। तो चेक करते हैं इस खून भाई यहाँ पर आकर हुआ क्या इस घर के अंदर। तो चलते हैं इस घर के अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है भाई। काफ़ी सारा खून पड़ा हुआ है, यहाँ पर हुआ क्या है। ओ भाई भाई कोई था गाइस, मैंने विंडो पर किसी को देखा, शायद वो थी क्या मोमोगल थी। हाँ गाइस मेरी नजर एकदम ठीक है गाइस, ये मोमोगल यहाँ पे कैसे आ गए यार। शिट गाइस यहाँ मोमोगल कैसे आ सकती है यार, हमारी तो हमारा सीक्रेट वर्ल्ड है, यहाँ पे कैसे आ सकती है वो भाई। मेरे को उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना भाई, भागो यहाँ से, मोमोगल आ चुकी है गाइस। यार बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, अगर वो हमारे पीछे दोबारा से पड़ गए तो भाई हमको जान से मार की मानेगी। और गाइस भागते भागते हम लोग इस केव के अंदर आ चुके हैं। ये पता नहीं कौन सी केव है, मतलब आज हम लोगों ने 4-5 केव के अंदर यहाँ पे गाइस यहाँ पे टूर कर लिया है। और यहाँ पे गाइस कुछ है इस यहाँ पे नेदर पोर्टल के अंदर, शायद चलेगा इसके अंदर भाई। वो तो आ चुकी है भाई, अब हमको भागना पड़ेगा यहाँ से फटाफट से। चलो फटाफट से जो गाइस हम लोग, ओबे भाई ये तो पोर्टल नहीं है, ये एक ऐसा एसेट है जिसके अंदर कूदने के बाद हर कोई स्कैरी बन जाता है। अब शायद अगर टॉकिंग एंजेला की और मोमोगल की फाइट हो रही है, कौन जीता है, कौन जीतेगा भाई इन दोनों में, कौन जीतेगा टॉकिंग स्कैरी टॉकिंग एंजेला और मोमोगल भाई। टॉकिंग एंजेला ने इसको मार दिया, और ये क्या हमारी तरफ क्यों मारी है। नहीं नहीं हमको नहीं मारेगी, तुम्हारी दोस्त है भाई, हमको क्यों मारेगी ये। ओके तो गाइस टॉकिंग एंजेला कहीं पे जा रही है, तो चलो गाइस इसको फॉलो करते हैं, कहीं कहाँ पे जा रही है हमको देखना पड़ेगा जहाँ भी जा रही है। ओके तो गाइस यहाँ पे विच सामने आ चुकी है, और सामने गाइस स्कैरी थॉमस भी है। और शायद भाई विच ने गाइस हमारी एंजेला को एक कैट पे कन्वर्ट कर दिया। वेट भाई ऐसा क्यों किया, भाई वो मेरी दोस्त है। अब कैट रुक जा, विच गाइस यहाँ पे थॉमस के सामने खड़ी हुई है, हमको भागना पड़ेगा, वो हमारे पीछे पड़ चुकी है। थॉमस भागो, अबे गए हम लोग, अबे थॉमस बड़ा खतरनाक है यार। अबे गाइस अबे यार फाइनली हम लोग गाइस भाग नहीं पाए भाई, भाई लग रहा है कि हम लोग आज मर ही जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं आपसे एक और नहीं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। ओ माय गॉड साउंड से मस्त।